अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी रेसिपी है सिंगापुरी कॉम्बिनेशन राइस। तो इस रेसिपी को मैं बना रही हूँ 4 लोगों के लिए। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें सारी चीज़ें चाहिए। जिंजर गार्लिक पेस्ट, चॉप्ड गार्लिक, वाइट विनेगर, एक अंडा, रेड चिल्ली पाउडर, फूड कलर और चिकन और कॉर्नफ्लोर। तो इन सारी चीज़ों को हम चिकन में डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स कर लिया है मैंने, अब इसको हम मैरिनेट करेंगे आधे घंटे के लिए। यहाँ पर मैंने लिया है 2 प्याज और 4 छोटे साइज के टमाटर, कश्मीरी रेड चिलीज और लहसुन। इन सारी चीज़ों को मैंने बॉईल कर लिया है और इसका पेस्ट बना लिया है। तो ये पेस्ट रेडी है। यहाँ पर मैंने लिया है वाइट पेपर और इसके साथ ही शक्कर और लेमन येलो फूड कलर और नमक, और मैंने 1 कप राइस को सोक करके बॉईल कर लिया है और 1 पैकेट मैगी जिसको मैंने बॉईल कर लिया है और चॉप्ड गार्लिक और हरा प्याज, इसको अच्छे से चॉप कर लेना है, और शिमला मिर्च। बाकी डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लें। अब हम सबसे पहले एक कढ़ाई में चिकन के पीसेस फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर मैंने तेल इतना ही लिया है जितना हम राइस को पकाने के लिए यूज़ करेंगे, ताकि ज़्यादा तेल हमारा वेस्ट ना हो। तो एक एक करके अलहदा चिकन फ्राई कर लेने हैं। ये फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे और इसी तरह से सारे चिकन के पीसेस को हम फ्राई कर लेंगे। ये सारे फ्राई हो चुके हैं, इसे हम साइड पे रख देंगे और इसी तेल के अंदर हम सबसे पहले हम ऐड करेंगे चॉप्ड किया हुआ गार्लिक। ये लिया है मैंने तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून जितना। इसको 1 मिनट तक हम फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने पेस्ट बनाया था, लेकिन ये हम आधा यूज़ करेंगे। आधे पेस्ट को हम फ्रीज कर लेंगे और इसको खूब अच्छी तरह से पका लेना है। ये पक चुका है, अब इसके अंदर हम डालेंगे ये सारे मसाले। और इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे कटी हुई शिमला मिर्च। ये मैंने तकरीबन 2 ली है। अब इसको भी मिक्स करेंगे और स्लाइटली पका लेंगे। अब इसके अंदर हम हरा प्याज और नूडल्स भी डाल देंगे। और हम मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो चुका है, अब इसके अंदर हम हमारे फ्राई किए हुए चिकन के पीसेस डाल देंगे। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे हमारे बासमती राइस, बॉईल किए हुए बासमती राइस। इसको भी अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और हाई फ्लेम पर 2 मिनट के लिए पका लेंगे। ये रेडी हो चुका है सर्व करने के लिए। रेडी है ये हमारे राइस और इसके ऊपर हम हरे प्याज से गार्निश करेंगे। तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और शेयर कीजिए मेरी रेसिपीज़ को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। जज़ाकअल्लाह खैर।